मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ खुद चेंज करने का मौका तुम्हारे पास है, इसे मिस मत कर, सोचो इसके बारे में। मैं सोचूंगी। थैंक यू। वेलकम। क्या बात है राघव, ऑस्कर विनिंग लाइन। हाँ, अपनी डेस्टिनी से कैसे चुपोगे ईशिका? एक्सेप्ट। वैसे तो मैं बॉर्न एक्टर हूं। क्या देख रही हो? थैंक गॉड कि तुमने मुझसे बात तो करी, मुझे डांटा तो सही। मुझे डांटो, मारो, लड़ो, तो मुझसे बात करना बंद नहीं करो। अच्छा, इसलिए मुझसे गुस्सा हो क्योंकि क्योंकि मैंने उस रघु से दोस्ती कर ली। सॉरी, ठीक है, सॉरी। पर तुम्हें मुझे सॉरी की जगह ना थैंक यू बोलना चाहिए। मेरा मतलब है, मुझे थैंक यू उसको बोलना चाहिए जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे सीक्रेट डांसिंग टैलेंट के बारे में मालूम चला। देखो विष्णु, मुझे फिर से मत गुस्सा दिलाओ, नहीं तो इस बार तुम्हारा कान पकड़ के खींचूंगी। अच्छा, तुम ऐसे बोल रहे हो जिस तरीके से तुम्हारे बाबा बोलते थे जब तुम मुझे सताती थी। हा? सॉरी शिव, मुझे तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था। जब भी तुमसे बाबा की कही हुई चीजें सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं, छोड़ो, मैं तुम्हें क्यों जरूर छोड़ना कि बाबा के जाने के बाद तुम कुछ काम नहीं करोगी। सोचो, अगर तुम्हारे बाबा यहाँ पे होते तो हमको कितनी खुशी मिलती है जान के कि तुम्हारा टैलेंट क्या है। टैलेंट? मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। ओके फाइन, डांस। डांस करना तो पसंद है ना, तो मैं तो बस तुम्हें एनकरेज कर रहा हूँ कि जो चीज में तुम्हें मजा आता है बस तुम वो करती जाओ। मैंने कब कहा कि मुझे डांस अच्छा लगता है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो नहीं कहा तुम्हें, फिर क्यों कर रहे हो?
क्योंकि अगर आज तुम्हारे बाबा यहाँ पे होते तो शायद वो भी यही चाहते। स्टॉप इट विष्णु, स्टॉप इट। अगर बाबा यही चाहते तो मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाते वो। उन्हें पता था कि मैं उनके बिना छोटी से छोटी चीज भी नहीं करती हूँ। फिर भी इतने बड़े शहर में मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए वो? उन्होंने बिल्कुल ही ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ये तुम जानती हो क्या बोल रही हो? I'm sorry, Ishika. Okay, बुरा मत मानो, बट कि बाबा के जाने के बाद तुमने अपने आप को इतना समेट के रखा हुआ है, तुम क्यों रूठी हुई अपने आप से? इसी की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लाइफ को एंजॉय करना सीखो। तो मैं जानता हूं कि तुम लाइफ को एंजॉय करना चाहती हो। मैंने खुद तुम्हारा वो डांस देखा है और उसमें तुम जिस तरीके से एंजॉय कर रही थी वो तुम खुद जानती हो। शिका, मुझे म्यूजिक वीडियो में दिख रहा था, फिर ये गुस्सा क्यों? अब तुम्हारे पास नहीं पर हमेशा तुम्हारे साथ, और वो भी मस्ती करती हुई, मुस्कुराती हुई, हंसती हुई शिका देखना चाहते हैं। इसलिए हमेशा वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। डांस करते वक्त तुम बहुत खुश लगती हो, इसलिए डांस करो। एक बार माधुरी के गाने पे डांस क्या कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है। ओके फाइन, आई एम डन, जो करना है करो। सोचो शिका, तुम बस एक बार वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जिससे तुम्हें खुशी मिले, क्योंकि तुम्हारी खुशी में तुम्हारे बाबा की खुशी। हाँ, हवाई जहाज से गया है तो जल्दी तो जाएगा ही ना। नहीं, मेरा मतलब रिहर्सल्स, डांस मेनिया कॉम्पिटिशन की तैयारी और ये सब हम रे के बिना। देखो माँ, जितना ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए भी है। ये हम सबका सपना है। यश, रे का आइडिया था एकेडमी का, और उसने बहुत मेहनत की है, बट अब हम इसे हैंडल करेंगे। We are positive about it. तुम भी पॉजिटिव। What positivity? Academy के नाम पर ये जगह और Academy को चलाने वाला भी यहां से गायब। Dance Mania का registration भी अब तक नहीं हुआ और तुम फिर भी positivity के बारे में बात कर रहे हो। बे समझता क्या है अपने आप? एक I completely understand your concern. But कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे रेक हुई और उसके वजह से हम सबको। I don't get this, you know. तुम इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? I mean, किसी को प्रॉब्लम हुई है और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। वो मिस एग्नी आंटी, मैं यहाँ किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आया बल्कि अकेडमी ज्वाइन करने आया था। इनफैक्ट ऐसे अकेडमी ज्वाइन करने लगा इससे सिर्फ मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। यू नो व्हाट, इट कांट इवन स्टे इवन वन सेकंड ओवर। देखो कर्मा, सो आउट कर्मा, लिसन टू मी कर्मा। डैम यार, ये चला गया तो क्या होगा? हुमा प्लीज, देखो हमें टैलेंटेड डांसर्स की जरूरत है। तुम्हारी कर्मा के साथ जो भी प्रॉब्लम है वी कांट अफोर्ड टू लूज हिम। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे भी टैलेंटेड डांसर्स मिला इतना आसान। तुम बस एक बार वो काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, क्योंकि तुम्हारी खुशी में
तुम्हारे बाबा की खुशी थी। शायद जो विष्णु ने कहा वो गलत नहीं था। आज अटेंशन नहीं रही तो मुड़ मुड़ के देख रहे हो की? हाँ, आप की बोल के बड़ी बड़ी आंखें करके ना मुझे चेकआउट करना बंद करो। पहले तो लाइन मारती हो, अगर बाय चांस मैंने अटेंशन दे भी दिया तो लाइन डिस्कनेक्ट। दिस इज नॉट फेयर ना चुईमुई। अरे चुईमुई सुनो तो, को रुकना ही होगा और ये हमारी डांस एकेडमी के लिए बहुत ही जरूरी है। And I'm sure, रे भी यही चाहते होंगे। और अगर रे को लगता है कि वो अच्छा डांसर है तो शायद वो अच्छा डांसर हो। इसे समझाओ गर्मा को, वो तो मुझसे बात करने को भी रेडी नहीं होगा। मुझे कॉलेज जाना होगा। कॉलेज में बात करना ठीक नहीं होगा, कॉलेज के बाद बात करनी पड़ेगी। नहीं, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, अभी बात करनी पड़ेगी। नॉट अगेन। सुनो तुम, देखो मैं झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। आई हैव टू लीव। पर ये इतनी जल्दी में क्यों है? हैव टू चेक। अरे ये लास्ट ऑप्शन है। हेलो शमशेर भाई। हाँ बोलो। क्या काम है भाई? मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है। 2% ब्याज लगेगा। 2% भाई, एक स्टूडेंट हूँ, कुछ तो कंसेशन दे दो। देखिए मैं 3 महीने में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, आई प्रॉमिस। कैसे लौटाएगा तू? एक डांस कॉम्पिटिशन जीतकर। तेरी क्या अंदर सेटिंग है क्या? इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है जीत जाऊंगा? सेटिंग है ना, बट ऊपर वाले से और खुद पे भी तो कॉन्फिडेंस है। बस आपकी थोड़ी मदद मिल जाए तो। और अगर तू नहीं जीता फिर? मैं जीतूंगा, और अगर नहीं भी जीता तो मैं कुछ भी करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस 1,00,000 रुपए चाहिए तुरंत। ठीक है, तुझे मिल जाएंगे पैसे। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पैसे टाइम पे नहीं मिले तो शमशेर ये नहीं देखेगा कि तू बच्चा है, समझा? गॉड, जो मैं सोच रहा हूं वही हो। ये सुनो, तुम्हारा वो फ्रेंड कहाँ है? कौन? वही जो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ता रहता है, कर्मा। कहाँ है वो? मुझे क्या पता, मुझे बताकर थोड़ी घूमता है वो। वाओ, आई लाइक इट। हाँ, सो तुम पे भी थोड़ा थोड़ा असर पड़ रहा है। हाँ, कर्मा। क्या, कहाँ? वो वास, वहां तो शैरन का कैबिन है। Yes. May I come in? Yeah, come in. Hi. Hi. Tell me. अगर मैं पूरी फीस एक बार में पे कर दूं तो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है? What? हाँ, यही तो है ना रूल्स आप लोगों के।
हाँ बट तुम उन लोगों से क्या कहोगे? I'll manage. Are you sure? Yeah, 100%. कुछ ना कुछ बोल दूंगा मैं उनको. अब हमारी ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तुम कैचअप कैसे कर पाओगे? ट्रेनिंग शुरू होके अभी तक एक हफ्ता भी नहीं हुआ. डोंट वरी, आई मैनेज, आई एम अ फास्ट लर्नर. ठीक है, अगर तुम मैनेज कर सकते हो. मैं पेमेंट कल ही कर दूंगा. आई सी व्हाट आई कैन डू. गॉड, तो इसलिए कर्मा इतने जल्दी में था? बड़ी बैकस्टैबर, बड़ी शैरन, हाउ कुड शी डू दिस? बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होने का नाटक करती है ना, इसने अपने ही दोस्तों के साथ. नहीं, जिस मैम को कॉल करना होगा. टेक्स्ट करती हूँ, प्लीज कॉल बैक अर्जेंटली. Hi, beautiful. तुम यहाँ अपने आर सिनेमा के केबिन के सामने क्या कर रहे हो? प्लीज स्पाई वाई तो नहीं कर रही? वेरी फनी. और कोई काम नहीं ना मुझे? अच्छा, तो यहाँ और क्या काम है तुम्हें यहाँ? Just shut up. Sorry. वो मैं तो यहाँ सिर्फ टेस्ट कर रही थी और ध्यान नहीं आया कि कैसे यहाँ पहुंच गए. पहले देखी होती तो यहाँ से मैं चली जाती. आज थोड़ी डिफरेंट लग रही हो. एनी प्रॉब्लम? ओ प्लीज, सब ठीक है. और वैसे भी क्या है तुम्हारी नई पिकअप लाइन है? क्यों, अच्छी है क्या? अरे भलाई का जमाना ही नहीं है. मतलब मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, इज एवरीथिंग ओके? ऑफ कोर्स, बुरा हूँ मेरे दुश्मन के साथ. अरे बेचारा कर्मा, आज तो गया. गॉड ब्लेस यू ब्रदर. अच्छा लिसन, मैं चलती हूँ, मुझे कैंटीन जाना है. आई सी यू लेटर, बाय. बट लिसन, 10 मिनट में क्लास शुरू होने वाली है, लेट मत हो जाना. ये रिसर्च हुआ क्या है? खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आया.